बिहार का मुंगेर जिला, जिसके नदी, नाले, कुएं, जंगल, खेत और मकान सभी उगल रहे हैं AK-47। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार के मुंगेर जिले से बड़ी मात्रा में AK-47 बरामद होने का सिलसिला अभी भी जारी है। पुलिस कभी कुएं की तलाशी लेती है तो कभी नदी की। 29 अगस्त से शुरू हुए सर्च ऑपरेशन में अभी तक 20 AK-47 और उसके करीब 500 पार्ट्स बरामद किए जा चुके हैं। हथियारों के जखीरे की बरामदगी ने न सिर्फ बिहार पुलिस बल्कि कई राज्यों की पुलिस को बेचैन कर दिया है। सवाल ये कि आखिर ये AK-47 और उसके पार्ट्स मिलने के पीछे किसका हाथ है? ये इलाकाई लोग ही हैं जो इसमें शामिल हैं, या फिर है कोई आतंकी कनेक्शन? पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए अब मामले में गिरफ्तार तस्करों का कनेक्शन जानना चाहती है। पुलिस को आशंका है कि हो न हो इस जखीरे की बरामदगी के पीछे आतंकियों का या फिर नक्सलियों का कनेक्शन संभव है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसे भी सबूत हाथ लग चुके हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से पिछले कुछ सालों में गायब 50 से ज्यादा AK-47 बिहार पहुंचाई गई और इसके तार कहीं न कहीं आतंकी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। बता दें कि AK-47 का इस्तेमाल ज्यादातर आतंकी और नक्सली ही करते हैं और इससे पहले भी बिहार से कई आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद बिहार पुलिस इस मामले को और ज्यादा संजीदगी से हैंडल कर रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से पिछले कुछ सालों में 50 से ज्यादा AK-47 गायब हुई हैं। खबर है कि जिसमें से ज्यादातर AK-47 बिहार ही भेजी गई हैं, जिसको आतंकियों से जोड़कर जांच जारी है। आपको बता दें कि इसी साल 29 अगस्त को जमालपुर पुलिस ने मोहम्मद इमरान नाम के शख्स को 3 AK-47 के साथ गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर कुछ दिन बाद मोहम्मद शमशेर और इमरान की बहन रिजवाना को भी 3 और AK-47 के साथ गिरफ्तार किया गया था। तीनों से पूछताछ करने पर पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और उसी के बाद से हथियारों का जखीरा मिलने का सिलसिला तो बदस्तूर जारी ही है। साथ ही जारी है देश का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन।